अब तक आपने देखा डोमी गोपेस के विजयनगर से प्रस्थान करने के पश्चात महामंत्री महाराज श्री कृष्णदेवराय को उनके मित्र लंका के महाराज धर्मपाल के अकुशल होने की संभावना व्यक्त करते हैं। तत्कालिक बुलाई गई सभा में प्रस्तुत रामा एवं सभी लोग व्याकुल हैं, किंतु महाराज के क्रोध को देख तथाचार्य भयभीत हो जाते हैं। अब आके कहीं धनी मनी की वाणी सत्य तो सिद्ध नहीं होगी। गुरुवर महाराज हमें क्षमा कर दो। क्षमा करें, परंतु क्यों गुरुवर? महाराज हमारा कोई दोष नहीं है महाराज, आपको तो ज्ञात है महाराज कि हाँ गुरुवर हमें ज्ञात है कि आप हमारे गुरु हैं। परंतु आप अकस्मात ही ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अकस्मात ही महाराज, अकस्मात ही। महाराज आपने अकस्मात ही दरबार सभा बुलाई तो अकस्मात ही हमें उपवास करने का विचार आ गया महाराज। महाराज हमारा दिव्य ज्ञान कहता है कि यदि कोई भी कार्य करने से पूर्व हल्का फुल्का उपवास किया जाए तो वो कार्य सदैव सफलता पूर्वक संपन्न होता है। क्षमा कीजिए परंतु ये उपहास का समय नहीं है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं गुरुवर। अवश्य महाराज। आप हमें ये बताइए गुरुवर कि एक मित्र की परिभाषा क्या होती है? तो बड़ा सरल सा प्रश्न है महाराज, इसका उत्तर तो कोई अल्प ज्ञानी भी दे सकता है। अब महाराज हमारा कहने का तात्पर्य है कि मित्रता, अब जब हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं तो वही मित्रता होती, और जब हम मित्रों से मिलते जुलते हैं वही मित्रता होती। महाराज मित्रता को हमारे सभी संबंधों में सर्वोत्तम की संज्ञा दी गई है। मित्रता इस दुनिया का सबसे सुंदर संबंध है महाराज। और मित्र वो है महाराज जो आपकी कीमत को समझे और आपके गुणों की प्रशंसा करे। नहीं महाराज, सच्चा मित्र तो वो है जो आपकी त्रुटियां आपके सामने उजागर करे, आपको टोके, आपकी सच्ची आलोचना करे और आपको सुधार के पथ पर चलने के लिए कहे। फिर चाहे भले ही वो आपके सुख में आपके साथ ना हो, किंतु यदि कोई विपत्ति आए तो आपके साथ उसका सामना करने के लिए डटकर खड़ा रहे। फिर चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण ही दांव पर क्यों ना लगाने पड़े, क्योंकि मित्रता ऊंच नीच छोटा बड़ा देखकर या लाभ हानि सोचकर नहीं होती महाराज। उचित परिभाषा है पंडित रामकृष्ण जी। महाराज महाराज एक अजीब सा जादू, एक महान सी भावना है इस मित्रता में, वरना वो गोवर्धन उठाने वाला ऐसे ही सुदामा के पैर नहीं धोता महाराज। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। साधो साधो। सत्य कहा पंडित रामकृष्ण आपने। पंडित रामकृष्ण आप हमें ये बताइए कि एक मित्र को दूसरे मित्र की सहायता करने के लिए किस सीमा तक जाना चाहिए? महाराज धर्म तो ये कहता है कि यदि एक मित्र सही है और संकट में है तो दूसरे मित्र को उसकी सहायता करने के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा देने चाहिए। मित्रता में कोई सीमा नहीं होती महाराज। हमें एक सूचना प्राप्त हुई है जिसके कारण हमने आज ये सभा यहाँ पर इस समय पर बुलवाई है, और वो सूचना ये है कि हमारे परम मित्र श्रीलंका के महाराज धर्मपाल जी किसी विकट समस्या में हैं। वो इस समय कहाँ है, किस स्थिति में हैं, ये किसी को ज्ञात नहीं है। उचित, एकदम उचित। क्या उचित है गुरुवर? महामंत्री जी,
हमारे कहने का तात्पर्य है कि महाराज के परम मित्र महाराज धर्मपाल जी संकट में, तो ऐसी स्थिति में दरबार सभा बुलाना उचित उचित है। तो हमारा यह धर्म बनता है कि हम अपने मित्र की सहायता करें। आज हम आप सभी के समक्ष ये आवाहन करते हैं कि हम अपने मित्र को कुछ नहीं होने देंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें अपना सब कुछ दांव पे क्यों ना लगाना पड़े। महामंत्री जी, महाराज, गुप्तचरों से सूचना इकट्ठी करवाइए, सेना को सतर्क कीजिए, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम स्वयं जाएंगे श्रीलंका अपने मित्र की सहायता करने हेतु। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज श्रीलंका के आपके मित्र महाराज धर्मपाल, क्या हुआ उन्हें? महाराज, आपको यहां से प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके मित्र महाराज धर्मपाल अपनी महारानी मुनमुन जी के साथ हमारे राज दरबार में प्रवेश कर चुके हैं। महाराज, क्या वो स्वयं यहां पधारे? महाराज धर्मपाल यहां पधारे तो अत्यंत आनंद का विषय है। महामंत्री जी, श्रीलंका के महाराज धर्मपाल जी को राजकीय सत्कार के साथ हमारे इस दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। एक कदू कठिना, रुक जावा रुक जावा। दुक्का थुन्ना पुष्प सूखा नहीं है, सूखा होता तो रानी को लगता, रानी घायल हो सकता। रानी पुष्प लगा तो नहीं? नहीं। ये कैसी बात हुई? भला पुष्प से कौन घायल होता है? पुष्प का इतना ध्यान तो हमने कभी सौदामिनी के साथ भी नहीं रखा। हमने तो अनेकों बार सौदामिनी पर पुष्प बरसाए हैं, वो तो कभी नहीं बोली घायला हो सकता है। हमें तो ज्ञात नहीं गुरुजी। वो क्या है ना गुरुजी, हमें तो आज तक सौदामिनी देवी पर पुष्प फेंकने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ। ना कोई संदेश भिजवाया, ना ही संपर्क साधा, सीधे आप हमसे यहां पर भेंट करने चले आइए। बताइए श्रीलंका नरेश, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? इक्का दिक्का थुन्ना किया जाए। महाराज धर्मपाल का तात्पर्य है कि हमारे साथ ऐसा वर्ताव किया जाए जैसे एक मित्र को दूसरे मित्र के साथ करना चाहिए। अवश्य ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। ये है हमारे परम मित्र श्रीलंका नरेश महाराज धर्मपाल। ये हमारी पत्नी रानी मुनमुन। नमस्कार। अति सुंदर। मित्र धर्मपाल जी, हम आपका परिचय कराते हैं हमारे दरबार के रतन हमारे विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण हैं। नमस्कार महाराज धर्मपाल। नमस्कार महारानी मुनमुन। नमस्कार रामकृष्ण। इक्का दिक्का थुन्ना। महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने पंडित रामकृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। और ये है हमारे राजगुरु आचार्य तथाचार्य। नमस्कार राजगुरु। नमस्कार राजगुरु। राज
गुरुवर नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार 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 महाराज धर्मपाल। नमस्कार नमस्कार। ये दिलशान और कौशल दोनों हमारा बहुत समीप है, प्रमुख है, हमारे लिए इक्का दुक्का थुन्ना करता है। वो क्या होता है? अर्थात गुरुवर, ये दोनों अपने महाराज के प्रति कर्तव्य हेतु कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारे लिए धनी मनी। नमस्कार गुरुवर। सौभाग्यवती भवा, अति सुंदर, आज ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया गुरुवर? सच में ज्ञात हो गया पंडित रामकृष्णा की कोयले की खान में ही हीरा मिलता है। इक्का देका धुन्ना। हम समझे नहीं महाराज। गुरुवर, आपने रानी की प्रशंसा की, महाराज आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम तो महारानी की प्रशंसा अनंत काल तक कर सकते हैं। इनकी सुंदरता के पंडित इक्का देक्का थुन्ना। महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने इन्हें साथ ले आए क्योंकि महाराज को चिंता होती है। रानी की लंका का कोई भगा के ले गया तो? लंका को? रानी को। रानी के बिना हम नहीं जी सकता। अब तो हम भी नहीं जी सकते। अवश्य अवश्य महाराज धर्मपाल, हम आपकी पत्नी के प्रति आपका प्रेम समझ सकते हैं, और लंका के विषय में आप निश्चिंत रहिए, हर बनती सहायता के लिए हम उपलब्ध हैं। मित्र, हमें आपसे गुप्तता में बात करना। अवश्य महाराज अवश्य, आइए। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। अति सुंदर, अत्यंत सुंदर। रुक जाओ रानी, नुकीला को ना हो सकता, रानी को लग सकता। रानी रानी, अब बैठो। महारानी तिरुमलम्बा, रानी मुनमुन कई कलाओं में निपुण है। जी हाँ, हमारा रानी युद्ध कला में निपुण है, संगीत और नृत्य का पारंगत है, और चित्र कला में इतना अभ्यस्त है कि किसी का भी चित्र बना सकता है। वायु का भी? वायु का चित्र तो एक देख कर थिन्ना। वायु का चित्र तो रानी आंखों पर पट्टी बांधकर भी बना सकती हैं। वाह 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 वाह। ये सब कलाओं को सीखने के बाद जब कोई कला सीखने को नहीं बचा तो मुनमुन जी ने हमसे विवाह कर हमारा रानी बना। बहुत बड़ी भूल की। यहाँ तक कि अति परिश्रम और गहन अभ्यास से सीखी हुई कला को छोड़ दिया। नहीं, त्याग किया हमारे लिए। अर्थात अब रानी हमारा जीवन है, इसीलिए इनको अपने साथ इनकी मन्नत पूरी करने के लिए अपने मित्र महाराज कृष्णदेवराय के यहाँ आया। कैसी मन्नत मित्र? रानी का बहन चलते हुए फिसल के गिर गया, उसका हड्डी अब पहले जैसा नहीं रहा। तो कब परिवर्तित हो गई? नहीं, टूट गया। ओह, इसीलिए रानी अपना बहन के स्वास्थ्य लाभ के लिए तिरुपति बालाजी जाने का मन्नत मांगा, इसीलिए हम तिरुपति बालाजी पर स्नान करेंगे। परंतु मित्र, यदि मन्नत महारानी जी ने मांगी है तो उसकी पूर्ति हेतु तिरुपति बालाजी भी उन्हीं को जाना चाहिए। नहीं जा सकती क्योंकि मार्ग बहुत पथरीला है, रानी का पांव बहुत कोमल है,
कहीं लग गया तो, मोच आ गया तो नहीं नहीं, कदापि नहीं। महाराज धर्मपाल अपनी रानी से अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। एक बार की बात है, पड़ोसी राज्य के राजा ने रानी के साथ उपहास किया था। तो फिर क्या हुआ? तो महाराज ने पड़ोसी राज पर आक्रमण कर उसे पराजित कर उसका राज्य ले लिया। अब स्वयं पता नहीं कहां भटकता फिर रहा है। इतना महंगा उपहास नहीं करना चाहिए था। थुन्ना, यदि वो दो साहसी पकड़ा जाएगा ना, तो उसको हाथी के पांव के नीचे कुचल देगा। हे भगवान, हमारा रानी का तोड़ा छोटी से छोटी पीड़ा भी हमारे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न बनता। रानी को कोई दुख पहुंचाता है तो हम देने वाले को एक का धक्का तो ना करता। हाँ, फिर चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो। भाई को नहीं छोड़ा तो हम कौन है? इसीलिए हम स्वयं पूजा के लिए जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य पर हमला, हाथियों से कुचलवाना, बड़ा ही जोखिमों भरा है आपका प्रेम महाराज धर्मपाल। हमने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह जीवन भर एक ही पत्नी रखने का निश्चय किया। क्या प्रेम है आपका महाराज धर्मपाल। महारानी मुनमुन, महाराज धर्मपाल का आपके प्रति इस प्रेम के विषय में आपके क्या विचार है? हम जितना श्वास नहीं लेते उससे कहीं अधिक ध्यान रखते हैं महाराज हमारे। अन्य सारे काम छोड़कर हर पहर हमारे साथ ही रहते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं हमें, और अगर पथरीला रास्ता हो तो खुद हमें बाहों में उठाकर चलते हैं। हम भी ऐसे ही करेंगे। कभी कभी तो हमारे बाल भी खुद ही बनाते हैं। अद्भुत अद्भुत, ये तो महाराज धर्मपाल के प्रेम की पराकाष्ठा है। हम भी अपनी रानियों से अत्यंत प्रेम करते हैं। वैसे तो महाराज आप हमारे सबसे विश्वसनीय मित्र हैं, परंतु फिर भी हम आपसे विनती करते हैं कि 3 दिवस के लिए, जब तक हम पूजा से नहीं लौटते, हमारी रानी का ध्यान रखना। हम तो आजीवन ध्यान रखने के लिए तैयार हैं। महाराज धर्मपाल, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम आपको आश्वासन देते हैं, आपकी महारानी जी बिल्कुल सकुशल रहेंगी। हम अपनी बहन को कुछ नहीं होने देंगे। आपका बात पर हमको इक्का दुक्का तन्ना है। मतलब विश्वास करते हैं जी। और विश्वास हम अपने आप से ज्यादा आप पर करते हैं। बस एक बात है, महारानी चिन्ना देवी, क्या आपने महारानी मुनमुन को आपके महल में जो एक नया कक्ष बना है वो दिखाया? जाइए शीघ्र दिखा कर लाइए उन्हें। रानी मुनमुन, आई हम आपको अपना राजमहल दिखाते हैं। रानी को कभी कभी एक्का देक्का थुन्ना हो जाता है। मतलब गिनती गिनने लगती हैं, एक का डेका ढूंढा। रानी को कभी कभी दौरा आता, उसका व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो जाता। उस समय वो कौन सा रूप धारण करेगा कोई नहीं जान सकता। हाँ, इसे व्यक्तित्व परिवर्तन विकार कहते हैं। ये एक मानसिक समस्या है, परंतु इसका उपचार तो है। पंडित रामा कृष्णा, क्या कहना चाहते हैं आप? किरानी पग पग रानी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है क्या? रानी का मानसिक संतुलन ठीक है, रानी का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, परंतु पंडित रामा भी ठीक है। ऐसा होता कभी कभी। अभी वो स्वस्थ है, गत कई दिनों से दौरा नहीं आया, परंतु सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक देख कर थुन्ना महाराजा धर्मपाल,
आपको महारानी जी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं ना। जब हमारा मित्र हमारे साथ है तो हम निश्चिंत होकर प्रस्थान करेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.